पिक्सार्ट और पिक्सेलर में फॉन्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें, और अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, ये मैंने कर लिया। अब नया टैब ओपन करना है, यस, और यहाँ पे टाइप करना है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स, हाँ, इंटर। यहाँ पे सबसे पहले आने वाली है गूगल फॉन्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, और नीचे देवनागरी लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं कुछ फॉन्ट्स ऐड कर लेता हूँ, ये कुछ फॉन्ट्स मैंने ऐड कर लिए हैं, ये कुछ और मैं देख लेता हूँ, तीन फॉन्ट्स देख लेता हूँ, तीन तरह के, ये दो हो गए एंड मैंने तीन तरह के फॉन्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। ये मैंने कुछ फॉन्ट्स ऐड कर लिए हैं, आपको बाहर निकल जाना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑल फॉन्ट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सारे फॉन्ट्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा डाउनलोड हो गया है, अब मैं बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद आपको फाइल मैनेजर, अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है और डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जो आपने फाइल डाउनलोड की है उसे अपने किसी स्पेसिफिक किसी अलग फोल्डर में मूव कर लेना है या कॉपी कर लेना है। ये मैंने मूव कर लिया इसे। उसके बाद आपको फोन स्टोरेज में क्लिक करके जहाँ वो फाइल है उस पर क्लिक करना है, इसे एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। फिर इसे कहीं पे भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। फिर उस फोल्डर में जाना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सारे TTF की फाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे मूव करना है या कट करके पेस्ट करना है पिक्सार्ट के फॉन्ट में, पिक्सार्ट वाले फोल्डर के इस फॉन्ट्स में। यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ, एंड ऐसे ही जिस तरह मैंने इसे किया है वैसे सारे दो और बचे हैं उनको और ऐसे ही करना है मूव। ये दो हो गए, मैं अपने कीबोर्ड कर लेता हूँ, और ये एक तीसरा और रहेगा, इसे भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। पिक्सार्ट और ये फॉन्ट्स, यहाँ पे भी कीबोर्ड। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ और पिक्सार्ट जिसका गोल्ड मूड एपी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके स्किप कर दिया है, या कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ, ये वाइट कलर का। यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ मेरे चॉइस के हिसाब से, ये मैं यहाँ पे राधे लिख देता हूँ मेरा नाम, और इसे ब्लैक कलर में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ये, हाँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट्स के सिलेक्शन करता हूँ, और ये माय फॉन्ट्स में जाकर किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये मॉडल है, इसकी साइज बड़ी हो रही है, ये पॉपिंग वाला बोल्ड इटैलिक या फिर कोई भी है, ये पॉपिंग का है। ओके, मैं पीछे जाता हूँ। अब पिक्सल लैब की बारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही अच्छे वीडियोस और हाउ टू कंटेंट के लिए। पिक्सल लैब में फॉन्ट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉन्ट सेक्शन में जाना होगा मेरा, यहाँ पे माय फॉन्ट्स पे क्लिक करके ऐड फॉन्ट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पिक्सार्ट वाले फोल्डर में अभी हमने मूव किया वहाँ पे जाना है, और उसमें वापस फॉन्ट्स का सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके, जो मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया है, एक और बचा, हाँ, सभी को सिलेक्ट करके ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करना है,
उसके बाद मैं चेक करके देखता हूँ कुछ हुआ कि नहीं। हिंदी में लिखना है, ये देखिए फोन चेंज हो गया। आप हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। कुछ क्वेरी हो तो जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।